नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। जेएनयू में बवाल, छात्रों ने कुलपति को बनाया बंधक। जेएनयू में एक लापता छात्र को लेकर चल रहा प्रदर्शन बुधवार को उस वक्त गंभीर हो गया जब आंदोलनकारी छात्रों ने कुलपति और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशासनिक भवन में बंद कर दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार ने कहा कि हम इमारत के भीतर दिन में 2:30 बजे से बंद हैं। हमारे साथ एक महिला सहकर्मी भी है जो अस्वस्थ हो गई क्योंकि उन्हें मधुमेह है। दूसरी ओर जेएनयू के छात्रों ने अपने रुख का बचाव करते हुए दावा किया कि किसी को अवैध रूप से बंधक नहीं बनाया गया। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पांडेय ने कहा कि हमने जेएनयू के प्रशासनिक भवन में किसी को अवैध रूप से बंधक नहीं बनाया। बिजली और दूसरी सभी तरह की आपूर्ति है। हमने भीतर खाना भेजा है। पुलिस विश्वविद्यालय परिसर के बाहर मौजूद है और अंदर दाखिल होने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति का इंतजार कर रही है। इससे पहले जेएनयू प्रशासन ने छात्र के लापता होने से संबंधित मामले में 12 छात्रों को प्रॉक्टर स्तरीय जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का छात्र नसीब अहमद शनिवार से लापता है। उसके लापता होने से एक रात पहले कैंपस में उसका झगड़ा हुआ था। छात्र के अभिभावकों से मिली शिकायत के बाद वसंत कुंज उत्तर थाने में इस संबंध प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रशासनिक ब्लॉक को अवरुद्ध करने के लिए छात्रों की निंदा करते हुए जेएनयू के शिक्षकों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि वो अहमद का पता लगाने के लिए पुलिस पर अधिक दबाव डाले और अहमद से अपील की कि वो प्रताड़ित किए जाने के डर के बिना वापस लौटे। विश्वविद्यालय में तनाव व्याप्त है। वाम समर्थित जेएनयू एसयू और एबीवीपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि जेएनयू एसयू अध्यक्ष मोहित पांडेय और अहमद के साथ रहने वाले छात्र के बयान में असंगति है। और अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में भारत और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास। स्मृति ईरानी को झटका, अंतर्राज्य परिषद से हटाया। पुतिन पर भिड़े क्लिंटन और ट्रंप, जमकर चले चुनावी तीर। मोदी के मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमला और सलमान खान अब नहीं करेंगे थम्सअप का प्रचार।